हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर एक्सपर्ट कंप्लीट सीरीज। सीडीपी जो आपकी 30 मार्क्स के होने वाली है, उसमें जो मेन रूप की रोल प्ले करने वाली है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम जानेंगे 5x5 मार्क्स आपके यहाँ से पक्का होने वाले हैं। आज हम जानेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइप्स एंड स्टेजेस के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है। हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ रिफर्स टू चेंज और इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर। जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में जो उसके चेंजेस होते हैं साइज में, हाइट में, वेट में एंड स्ट्रक्चर में, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। अगर आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे के आप उसका ग्रोथ देख सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसी को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ डिसअपीयरेंस ओल्ड फीचर एक्विटाइजेशन ऑफ न्यू वेट। जो भी उसके ओल्ड फीचर्स है वे चले जाएंगे, जो न्यू है उसे एडॉप्ट करते चले जाता है, इसी को ग्रोथ। हमारा दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट। द टर्म डेवलपमेंट रिफर टू चेंज इन स्ट्रक्चर, फॉर्म और शेप एंड इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। जो भी ग्रोथ में चेंजेस हो रहे हैं, उनके साथ हमारी बॉडी में फंक्शंस में इंप्रूवमेंट भी हो रही है। हमारी ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग्स भी कर रहा है, रीजनिंग भी कर रहा है। डेवलपमेंट इज नॉट मेजरेबल। डेवलपमेंट ना हमें दिखाई देता है, ना हम मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स व्हेन सर्टेन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय माइंड आवर बॉडी ऑटोमेटिकली वी से दैट हैज़ अटेंड मैच्योरिटी। जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हम उसके साथ मैच्योर भी हो रहे हैं। हम थिंकिंग कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, इसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी ऑलवेज मीन फंक्शंस ऑफ इनसाइड। इनसाइड इट ऑल्सो मीन्स डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम। मैच्योरेशन एक इनसाइड की फंक्शन है, जो डूइंग सही वे में करने और सही टाइम पर करने के लिए हम एबिलिटी आ जाती है हमें, इसे हम मैच्योरिटी। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इट इज़ ऑलवेज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ग्रोथ आपको दिखाई देती है, आप उसे मेजर भी कर पाते हो। डेवलपमेंट या ना आपको दिखाई देती है, ना आप उसे मेजर कर पाते हो। दीज आर क्वांटिटी चेंजेस। ये क्वांटिटी आपको पता चलती है वेट में, हाइट में आपको, लेकिन क्वालिटी डेवलपमेंट में आपको क्वालिटी गुड और बैड ना दिखाई देती है, ना आप इसे मेजर कर पाते हो। ये ग्रोथ जो आपकी है एक सर्टेन एज पर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ इज फिजिकल। जो आपके बॉडी में जो होने वाली ग्रोथ है, इंक्रीमेंट है, चेंजेस है, वही बता रही, लेकिन डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल होने वाली है। फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक चलेगी। सेकंड चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में डिवाइड हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड 2 ईयर से लेकर 6 ईयर तक है। लेट चाइल्डहुड 6 ईयर से 12 ईयर्स तक होगी। थर्ड है एडोलेसेंस, जो 12 ईयर से 19 ईयर्स तक होगी। फोर्थ है एडल्टहुड, जो 19 ईयर से एबो होगी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपका क्वेश्चन इन्फेंसी पूछ लेगा और आपको 4 ऑप्शंस में एजेस दे देगा। आपको करेक्ट एज गेस करना होगा। यहाँ से एक कन्फर्म एक क्वेश्चन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर बच्चा अपने बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें फिजिकल डेवलपमेंट कह रहा है। फॉर एग्जांपल, उसके हाइट में, वेट में, जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, वे सभी फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो माइंड मस्तिष्क में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप सोच सक रहे हो, आप तर्क कर सक रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग कर सक रहे हो, लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग कर पा रहे हो, ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट, अगर एक बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है सही तरह से, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहा है सही तरीके से, यानी कि उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। सोशल डेवलपमेंट वो है जो समाज द्वारा वह सीखता है। समाज में हर एक प्राणी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को वे सीखकर अपना एक डेवलपमेंट, समाज का एक सोशल डेवलपमेंट उसमें हो जाता है। क्लासेस में हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमसे।